यह आवाज दबाने के लिए इतनी कोशिश नाकाम रहने वाली है, नाकाम रहने वाली है। भारत, चीन और पाकिस्तान के रिश्ते कभी ठंडे और कभी गर्माहट भरे होते हैं। कभी चीन धमकी देता है तो कभी पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों को अंजाम देता है, लेकिन भारत इन दोनों का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्यों की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी और कहा कि उनकी सरकार सीमांत राज्य के संपर्क सुधारने को बहुत महत्व दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी के अरुणाचल प्रदेश के दौरे से चीन सुलग उठा और उसने भारत से इस पर आपत्ति जताई है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने पीएम मोदी के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर एक सवाल के जवाब में कहा कि चीन भारत सीमा सवाल पर चीन का रुख स्पष्ट है। चीन सरकार ने कभी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है और वह चीन भारत सीमा के पूर्वी खंड के भारतीय नेता के दौरे का दृढ़ता पूर्वक विरोध करता है। चीनी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर डाली गई प्रतिक्रिया में हुआ ने कहा कि चीन भारतीय पक्ष से आग्रह करता है कि वह दोनों देशों के साझे हितों को ध्यान में रखे, चीनी पक्ष के हितों और चिंताओं का सम्मान करे, द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार की गति बरकरार रखे और ऐसी कार्यवाही से परहेज करे जो विवाद को बढ़ा दे या सीमा प्रश्न को उलझा दे। अब आप सोच रहे होंगे कि अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी की रैली से चीन क्यों बुखलाया है, आखिर वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। हालांकि चीन को आपत्ति तो इसी बात से है कि पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश क्यों गए। बता दें कि चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है। भारत और चीन सीमा विवाद निपटाने के लिए अब तक 21 दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है। हालांकि चीन की इस आपत्ति पर भारत के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, भारतीय नेता समय समय पर अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते हैं जैसे वे भारत के अन्य भागों का दौरा करते हैं। इस सुसंगत रुख से अनेक मौकों पर चीन पक्ष को अवगत कराया जा चुका है। चीन और भारत के बीच अक्सर सीमा रेखा को लेकर तल्खी सामने आती है। चीन कई बार भारत को धमकी भी दे चुका है लेकिन भारत की तरफ से उसे करारा जवाब भी मिलता है और अब चीन को भी समझ लेना चाहिए कि भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। अब भारत सैन्य शक्ति को लेकर काफी मजबूत हो चुका है और अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, उसमें चीन का जबरदस्ती का हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।